में भ्रम फैलाने के लिए पाकिस्तान में नए ट्विटर अकाउंट बनाए गए। ये जो तीन सर्कुलेशन होगा इसको भी हम एक फेक प्रूफ सिक्योरिटी कवर किस तरह से देंगे और इस बात का आकलन भी करना और साथ साथ उनसे संवाद भी स्थापित करना कि जब ये ट्रैक्टर रैली होती है तो उसकी टाइमिंग, जब ये ट्रैक्टर रैली होती है तो वहां कैसे शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके, कैसे उनको समग्र रूप से पूर्ण रूप से कैसे सुरक्षित रखा जा सके, जबकि इस ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने के बहुत सारे इनपुट्स इंटेलिजेंस के थ्रू और वेरियस एजेंसीज के थ्रू ये बार बार आ रहे हैं। हम लोगों ने सोशल मीडिया एनालिसिस, एक प्रोफेशनल एनालिसिस के जरिए अगर एक नमूने के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताएं तो 13 जनवरी से 18 जनवरी का इस 7 दिन के एनालिसिस में जो फार्मर्स, ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो ट्रैक्टर रैली है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए या इसमें एक सेंसेशन पैदा करने के लिए या इसको डिस्टर्ब करने के लिए इसमें जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं ताकि एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, एक वैमनस्यता की स्थिति पैदा हो। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए और इसके अलावा और भी इनपुट है, देश के बहुत सारे जगहों से ये इनपुट है कि जिस समय में ये रैली होगी उस समय में हम उसमें कुछ गड़बड़ी पैदा करेंगे, उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करेंगे ताकि एक डिस्टर्ब सिचुएशन पैदा हो जाए और एक डिस्टर्ब परसेप्शन पैदा हो जाए। तो इसका भी ध्यान रखते हुए इस विषय पर भी उनके साथ एक सशक्त संवाद पैदा किया और जो ये एरियाज जो हमने डिसाइड किए ताकि इन जगहों पे एक हाई लेवल का एक फेल प्रूफ सिक्योरिटी, उन सिक्योर्ड वातावरण में, सिक्योर्ड माहौल में और सिक्योर्ड रूट पर उनकी ट्रैक्टर रैली को हम सफल तरीके से संबंध करा पाए। चूंकि ये जब ट्रैक्टर की रैली होगी और जैसा कि हम जानते हैं कि जब 60-60 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर का ये जब स्ट्रेच होता है और खास करके जब डिफरेंट स्टेट्स का भी एरिया उसमें आता है, हरियाणा का या यूपी का, तो हरियाणा और यूपी के पुलिस अफसरों के साथ भी बैठकर इस पर चर्चा हुई कि कैसे ये कन्वीनियंट तरीके से ये हो पाएगा और उसके बाद हम लोग इस नतीजे पर इन प्रिंसिपल पहुंचे हैं कि 26 तारीख को ही, जिस दिन वो इस ट्रैक्टर रैली को करना चाहते हैं उस दिन ही एक खास समय और एक खास तरीके से और जो एक प्रोफेशनल, एक संस्थागत व्यवस्था है इस तरह के रैलीज को होने देने का, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो बाइंडिंग्स हैं, बहुत तरह के डायरेक्शंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, माननीय न्यायालय के भी उसमें डायरेक्शंस हैं, उन सबको हर बिंदु पर हम फॉलो करें ताकि हम नियम कानून को भी फॉलो करें, हम सुरक्षा का माहौल दें, उन लोगों से वॉलेंटियर्स लें, उन वॉलेंटियर्स के साथ एक जॉइंट तरीके से ये जो रैली है, इसका जो मूवमेंट है ट्रैक्टर्स का, इसको हम गाइड कर सकें और जितने भी जो मैंडेटरी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि अपने आप में ये एक बहुत बड़ा अरेंजमेंट होगा जैसा कि आप इस बात को समझ सकते हैं और खास करके तब जब ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का ये पीरियड है,